अगर इस जांच में मैं दोषी पाया जाता हूं तो मैं खुद इस चीज की अपील करता हूं, मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। अक्टूबर 2018 भारत देश के सबसे तेज पत्रकारों में से एक माने जाने वाले दीपक चौरसिया के सामने एक मायूस सी शक्ल का इंसान बैठा हुआ था। एक बड़ा ही सीधा सा सवाल एक मोनोटोनस इंटरव्यू के साथ कि अगर आप पे लगे हुए सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो किसी भी अक्यूज्ड के लिए ये काफी बड़ा सवाल होता है। बट ही आंसर्ड इट सो कैजुअली कि मुझे फांसी चढ़ा दीजिएगा। दीपक चौरसिया वाज सरप्राइज्ड। ही क्वेश्चन इट वंस अगेन, फांसी चढ़ा दी? द पर्सन रिप्लाइड यस, जी फांसी चढ़ा दीजिए। इतना कैजुअली एक इतने बड़े सवाल को आंसर करने वाला वह शख्स, बल्कि शख्सियत कोई और नहीं, मोहम्मद शामी थे। दैट इंटरव्यू इज स्टिल एनग्रेव्ड अपॉन माई मेमोरी एज हार्ड एज इन स्टोन एनग्रेविंग। वहां से मेरे लिए शामी एक क्रिकेटर से कहीं ज्यादा एक फाइटर बन गए। हेलिंग फ्रॉम अमरोहा, नेशनल डेब्यू इन 2013 एंड ग्रेजुअली मेकिंग इट टू द टीम, मेकिंग इट टू द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पार्ट्स, मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लेयर्स ऑफ द टीम। मोहम्मद शामी की रिक्वायरमेंट 2015 वर्ल्ड कप में एक फास्ट बॉलर के तौर पर थी एंड मोहम्मद शामी न्यू दैट। ही वॉज सफरिंग अ नी इंजरी, एक घुटने की चोट थी उनके शरीर पर, उनके फिटनेस के लिए बहुत बड़ा सवाल था। मोहम्मद शामी प्लेड द एंटायर टूर्नामेंट विद दैट ब्रोकन नी एंड ही डिडंट इवन लेट द टीम न्यू दैट ही वॉज नॉट फिट एनफ। ही बिकेम वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स एंड वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स ऑफ द टूर्नामेंट टू। लेकिन वो इंजरी छोटी मोटी इंजरी नहीं थी। ही पोस्टपोन्ड दैट ट्रीटमेंट एंड took 18 months to recover। हालांकि उस डेढ़ साल के पीरियड में काफी सारे नए प्लेयर्स उनकी जगह ले चुके थे, तो पहले ये प्लेइंग 11 से बाहर हुए, फिर 15 एंड इनिशियली ही वाज नॉट इवन कंसीडर्ड फॉर द प्लेइंग 11 आफ्टर दोस टाइम्स। 2018 आईपीएल, जहां से ये कमबैक कर सकते थे, उसके थोड़े दिन पहले इनकी वाइफ हसीन जहां ने इनके ऊपर आरोप लगा दिए। आरोप सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग को लेकर थे। तो उसी समय ये इंटरव्यू हुआ मिडस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। द टूर्नामेंट वाज अ नाइटमेयर, एक बुरे सपने की तरह था। मैचेस खेले इन्होंने, होटल के बाहर नहीं निकलते थे ताकि लोग टॉन्ट्स ना मारने लगे, लोग सवाल ना पूछने लगे। एंड ही टुक 3 विकेट्स इन दैट एंटायर टूर्नामेंट। बीसीसीआई की जांच बैठी एंड मोहम्मद शामी वाज गिवन क्लीन चिट। क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन अ पर्सन ऑफ दैट कैलिबर, अ कॉम्पिटिटिव क्रिकेटर, जब वो क्लीन चिट का सर्टिफिकेट लेके बाहर आए, तब उनका वजन कुछ 95 किलो था। नॉट मोर ओवर देन द फिजिकल फिटनेस, ही वॉज अ मेंटली टायर्ड, मेंटली ब्रोकन पर्सन। ही वॉज लिविंग इन अ बिल्डिंग वेर इट हैड 24 फ्लोर्स एंड हिज होल फैमिली अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स उस पूरे फ्लोर पे रहते थे कि कहीं ये इंसान जंप ना कर दे। अपने इस टेंडेंसी के बारे में उन्होंने रोहित शर्मा को कोरोना पीरियड में दिए हुए एक इंटरव्यू में बताया दैट ही कंटेम्पलेटेड सुसाइड 3 टाइम्स। 18 महीने का डिप्रेशन, आई डोंट नो हाउ ही सफर्ड, लेकिन शायद विनर्स की डिक्शनरी कुछ और होती है। हिज फैमिली फोर्स्ड हिम कि जहां से तुम्हें सब कुछ हासिल हुआ है उसी जगह दोबारा जाओ। इनकी फैमिली इन्हें लेके देहरादून गई। एज पर हिज फादर, इन्हें धक्के देके पुश करके भेजा जाता था कि तुम ग्राउंड में कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ दौड़ो।
1 month of running, 3 months of professional net training, and after that, with expert assistance, Mohammad Sami struck back. He struck back and he struck hard. 2019 IPL, he grabbed 19 wickets and became one of the leading wicket takers of the tournament. He was considered for the team. और अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ एक मैच जहां पे 9.5 ओवर्स 40 रन्स एंड 4 विकेट्स अंतिम ओवर में जहां पे 16 रन दे के मैच जीतना था अफगानिस्तान को, मोहम्मद शमी वॉज गिवन द बॉल. पहली बॉल पे चौका, दूसरी बॉल पे सिंगल, और हर कोई यही बोल रहा था कि मोहम्मद शमी को क्यों दे दिया यार. बट the fighter struck and 3 wickets on the next 3 balls. Match finished. Everyone was cheering for him. But आज जो सवाल उठता है ना वो ये है कि जो हम लोग लगातार कह रहे हैं I stand for Sami, लेकिन reality है he do not need any of it. वो इंसान पहले भी इन चीजों से लड़ चुका है, 18 महीने का डिप्रेशन और एक ऐसी बीमारी की वजह से जिसकी वजह से हर साल 9000 यंग एडल्ट सिर्फ इंडिया में सुसाइड करते हैं. उस फेज को झेल के आया मोहम्मद शमी. कम ऑन, हम में से किसी को उसके साथ खड़े होने की जरूरत नहीं है. ये आई कैन गारंटी यू दैट कि आज वो न्यूज़पेपर और अखबार और टेलीविजन से दूर आराम से अपने कमरे में बैठ के अपने मैच के बारे में सोच रहे होंगे या नेट पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे होंगे. तो मेरा कंसर्न ये वीडियो, मेरा कंसर्न मोहम्मद शमी नहीं है और मेरा कंसर्न हेट मॉन्गरिंग भी नहीं है. जी नहीं, बिकॉज इट्स स्टेट स्पॉन्सर्ड. इफ यू डोंट बिलीव देन DW.com हैज इट्स रिपोर्ट जिसमें ये साफ कहा गया है कि इंडिया में फेसबुक इज डूइंग नथिंग टू प्रिवेंट हेट मॉन्गरिंग. इट्स एन ऑफिशियल रिपोर्ट, यू कैन चेक इट इन द लिंक. So what's my concern? My concern is that we are not ready to take responsibilities. We are not ready to face defeat. We are not ready to accept defeat that a team on a particular day played better than us and won. अब उसे national integrity का question बना देना और उसके लिए एक scapegoat खोजना. अभी मोहम्मद शमी चूंकि मुस्लिम है तो he is the person. अगर कोई दलित होता तो ही वुड हैव बीन, अगर कोई सिख होता तो ही वुड हैव बीन द खालिस्तानी एंड सो ऑन, द लिस्ट गोज सो ऑन. तो पॉइंट ये है कि ये जो नफरत की धारा लगातार चल रही है, ये जो नफरत की आग, ये जो नफरत की फसल लगातार हमारे दिमाग में बैठाई जा रही है, जिसकी दरख्तें आज इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि हर किसी के दिलो दिमाग में भर चुकी हैं. प्रेम, सौहार्द, आपसी भाईचारा, ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है. लेकिन आज एक सवाल है आप सबसे. सवाल ये है कि क्या नफरत की आग इंसान पहचानती है? क्या गारंटी है कि वो आपके दरवाजे तक नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि आपकी लड़का उसकी चपेट में नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि जो बस जलाई जाएगी उस बस में आपके परिवार का सदस्य नहीं होगा? क्या गारंटी है कि जो लाठी चार्ज जाएगा, जो लाठी चार्ज होगा, उस लाठी चार्ज में आपके घर की महिला नहीं होगी? तो रात इंदौरी साहब का एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है, लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में. इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है. ऑन दिस नोट आई वॉन्ट टू एंड दिस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.